For more updates, please go and subscribe PNV Karan Films. भाई गांव का माहौल देखकर ना अब गांव में रहने का मन नहीं करता है। हाँ बात तो सही कह रहे हो, चलो शहर घूम के आते हैं, मन को शांति मिलेगी। हाँ चलो जंगलों वाले रास्ते से चलते हैं, उधर से जल्दी पहुँचेंगे। नहीं नहीं हम उधर से नहीं जाएंगे, गांव का एक लड़का गया था 4 दिन पहले, अभी तक वापस नहीं आया। अरे हट, तू कितना डरपोक है, तुमको चलना है तो चलो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। अरे रुको रुको, मैं भी चलूँगा। अरे यार चैनों की भी करना था। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ चलो दूसरे रास्ते चलते हैं। तू चुप रहा, अभी चलता हूँ। मैं तो जा रहा हूँ, तुमको जाना है जाओ, मैं नहीं जाऊँगा। कौन है? कौन है? कौन है? अरे भैया वो कमलेश्वर है ना, कल जंगल से शहर जा रहा था, उसको कौनो जान से मार दिया। हमको पूरा यकीन है कि एक आम रमुओ की आत्मा का है, इस गांव में रमुओ की आत्मा भटक रहा है। अब राम ही जाने ये सब क्या हो रहा है। भैया किसान, भैया किसान, किसान। अरे संतोष भाई तुम तो मुझे भूल ही गए मेरे भाई। अरे संतोष भाई हम तुमको कैसे भूल सकते हैं, अगर तुमने बताया नहीं होता कि रमुआ का गहना कौन चोरी करके लेके गया है तो हमें कैसे मालूम पड़ता। ये तो इत्तेफाक से हो गया। चलो ना, तो रमुआ ने देख लिया ना तो हमको खुद सपना बना डाला। चलो जो भी हुआ ना अच्छा ही हुआ, अब हम दोनों भाई पूरे गांव में राज करेंगे। भैया आ गए गांव घूम के। भैया वो गांव वाले बोल रहे हैं कि रमुआ का आत्मा गांव में भटक रहा है, कमलेश्वर की हत्या उसी ने किया। अरे आत्मा वात्मा कुछ नहीं होती है समझे, ये काम ना गांव के किसी बाहरी आदमी का है जो हमारे गांव में आके कत्ल कर रहा है। तुम चिंता मत करो, हम सब पता लगा लेंगे ये सब कौन कर रहा है। भैया एक बात पूछे। पूछो। रमुआ जब तक था तब तक गरीबों को लूटता था, उनका गहना पैसा, यहाँ तक कि उन्हें जान से भी मार देता था। अब तो आप भी रंगबाज बन गए हो, आप में और उसमें क्या फर्क है। दीपक गरीबों के पास कहाँ गहना होता है, उनके पेट में भूख और आंखों में रोटी न कमा पाने का दर्द होता है, उनका पेट हम भरेंगे जिनके पास है उनसे लेकर। विक्रम भैया हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। विक्रम भैया हमें माफ कर दो, हम आपके साथ रहने के लिए आए हैं, हमें अपने साथ रख लो, घर में खाने के लाले पड़ गए हैं, हमें माफ कर दो। देखो
हम तुम पे तरस खा के तुमको अपने साथ रख भी लें, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि तुम हमें धोखा नहीं दोगे? विक्रम भैया, रमुआ की हालत देख के किसकी इतनी मजाल कि वो आपके साथ धोखाधड़ी करे। अच्छा चलो ठीक है, कल से आ जाना, लेकिन हाँ ज्यादा होशियारी किए ना, गर्दन धड़ से कब लगोगी पता भी नहीं चलेगा। चलो जाओ। विक्रम भैया, हमारे साथ एक आदमी और है, उसको ला सकते हैं? ठीक है, लेते आना, जाओ। भैया इसे साथ रखना सही फैसला है? तुम्हें लगता है इतना सब होने के बाद वो हमारे खिलाफ भी खड़ा होगा? वो सब छोड़ो, कल हमारा एक आदमी आ रहा है गांव में, उसके रहने का इंतजाम करवा देना, ठीक है? चलो ठीक है। आ गए वीर, कल अपना माल गांव आने वाला है, उसको अपने पुराने वाले अड्डे पे रखवा देना। और हाँ एक बात याद रखना, यह तुम्हारा शहर नहीं है, ये गांव है। यहाँ लोग अपने कान में उंगली कम और दूसरों की कान में उंगली ज़्यादा करते हैं, तो किसी को पता ना चलने पाए। ठीक है शुक्ला जी, आप चिंता ना करें, मैं संभाल लूँगा। तुमरे भैया बहुत अच्छे दोस्त है हमारे, समझे? आए हो, मेहनत और ईमानदारी से काम करना, बहुत आगे जाओगे तुम। जी भैया जी, लाओ छोटे से पान, लाओ। बहुत कमाल का पान बनाते हो छोटे से तुम। कहा बे तुम कहाँ रहे हो? नहीं भैया भूल गए। बे यार बुद्धि बैल के पास छोड़ के आते हो क्या तुम लोग? हटो। अरे शुक्ला थोड़ा पैंट खोलो बे, हमें पान थूकना है। चलो रे, जाने दो, मजाक कर रहा हूँ। क्रम भैया, हमें लग रहा है कि रमुआ की आत्मा का काम है। नहीं, ये काम किसी आत्मा वात्मा का नहीं है, हमें पता ही काम किसका है। अबे क्या रे वीर, तेरे को पता है बैल का गार्ड किधर होता है? नहीं शुक्ला जी। अरे क्या बे भोसड़ी के, तूने तो मेरी पूरे गांव में नाक कटा दी। अरे क्या हुआ ड्राइवर साहब? ए शुक्ला जी आगे देखिए। तुम्हारे भैया जंगल में बुलाए हैं, एक पेड़ खरीदे, उसकी कटाई हो रही है।
टाइम रात हो रही है, आप कहाँ पेड़ कटाएंगे? जाओ उन्हें पूछ लो, हमको नहीं पता। भैया भैया कहाँ आप, हम आ गए भैया, हम आ गए, कहाँ आप भैया, भैया जिसने भी तुम्हारा कत्ल किया ना आमरे भाई, उसने तुम्हारा ही नहीं हमारा भी कत्ल कर दिया। आज से हम भी एक जिंदा लाश बन गए। विक्रम भैया, हमें लग रहा है कि इरमुआ की आत्मा का काम है, अब हमको कुछ करना पड़ेगा। जिसने भी तेरा कत्ल किया है ना, वो इस दुनिया में कहीं भी छुपा होगा। साले को ऐसी मौत मारूंगा कि भगवान को भी उसको बनाने पर अफसोस होगा। ये सारा कांड उस जंगल में हुआ है ना, हो ना हो वो कातिल वो जंगल में ही छुपा होगा। जिसने मेरे भाई को मारा, किसकी थी मत हुई, सामने आओ। ये सारा काम तुम्हारा था? इसका नहीं रे, हम दोनों का था। बड़का रंगबाज बनता है, दिखा अपनी रंगबाजी। अबे इसको लेके आपने अड्डे पे। शुक्ला जी, अब अपना राज आ गया है। अभी देखो आगे आगे क्या होता है। शुक्ला जी, शुक्ला जी, वो तो भाग गया। कहाँ भाग गया? चलो चलो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हमारी मदद करने के लिए। शुक्रिया की क्या बात है विक्रम भाई, वो तुम्हारे भाई का ही नहीं हमारे भाई हुकुम का भी कत्ल किया है। और मैं भी यही चाहता हूँ कि जब तक उसके पूरे खानदान को ना मिटा दूं, तब तक हमें शांति नहीं मिलेगी। इसीलिए तो हम आए हैं, ताकि उसके बड़े भाई बड़े शुक्ला का अंत कर सकें। अब जब तक हम भी उसको मिटा नहीं देंगे ना, हमें सुकून नहीं मिलेगा। वो भी बहुत मजबूत है विक्रम भाई, उसके लिए बहुत बड़ा दिमाग लगाकर उसके घर में घुसकर ही मारना पड़ेगा। तो देरी किस बात की है, चलो चलो। कार्य द्विवेदी, ये हथियार इतना कम कैसे? वो क्या है ना शुक्ला जी, एमपी बॉर्डर पर पुलिस चेकिंग बहुत चालू है, हथियार इतना ही आया है। जो भी आया है ना वो चुपचाप रख लो। ऐसा है, हमको पुलिस का बहाना मत बताओ। हमें पता है कि हमारे धंधे में घपला हो रहा है। अरे शुक्ला, ज्यादा टेंटे करोगे ना तो गर्दन उखाड़ के यहीं रख देंगे।
बेटा हम यूपी वाले हैं, कोई प्यार से हमारे हाथ पे हाथ रखता है ना तो राम राम करते हैं, और कोई गिरवान पे हाथ रख दे तो राम नाम सत्य कर देते हैं। कौन हो तुम जो हमारे लिए किसी की जान ले लिए? बड़े शुक्ला, इनको मैं लेके आया हूँ, ये आपके साथ काम करना चाहते हैं। अच्छा, का नाम है तुम्हारा? विकी पांडे नाम है हमारा। वाह, का बात है, यहीं पे रहो, शाम को बतियाते हैं। ऐसा है, हमारा छोटा भाई खो गया है, 2 दिन से परेशान हैं हम। हमसे कोई मदद चाहिए होगी तो बताइएगा शुक्ला। जरूर जरूर। लीजिए शुक्ला जी, थोड़ा मूड हल्का कर लीजिए। का करे विक्की, जब से मेरा भाई खो गवा है ना, तब से सब कुछ खत्म सा लग रहा है। अरे चिंता मत कीजिए शुक्ला जी, सब ठीक हो जाएगा, लीजिए। और बनाओ। वैसे शुक्ला जी, इंसान को उसके कर्मों की सजा इसी धरती पे मिलती है। मतलब? नहीं कुछ नहीं। नहीं नहीं ऐसा है ना, हमारा भाई मिल जाता ना, पता नहीं वो कहाँ होगा, इस हाल में होगा। वैसे शुक्ला, हम जानते हैं तुम्हारा भाई कहाँ है। मतलब कैसे तुम्हें पता लगा? उसको विक्रम पंडित ने मारा है। क्या? हाँ, उस दिन शुक्ला जी अब अपना राज आ गया है। अभी देखो आगे आगे क्या होता है। शुक्ला जी वो तो भाग गवा। कहाँ भाग गवा? चलो चलो, चलो। इधर जा शुक्ला, तू इधर देख, मैं इधर देखता हूँ। यही कही है, तू इधर देखो। कभी नहीं आता। ये विक्रम पंडित को ना हम छोड़ेंगे नहीं। तुझे पता है विक्रम पंडित कौन है? ये तेरे सामने बैठा है विक्रम पंडित, तेरे भाई ने मेरे भाई का कत्ल किया था ना, उसी की सजा तुझे मिल रही है। शराब में जहर था, ये जहर मेरे भाई का बदला तुझसे ले रहा है। हमें जहर देके तू क्या सोच रहा है? मैं ही मरूंगा। तुझे ये शराब पी रहा है ना, तू ही मरेगा।
अरे हम तो उसी दिन मर गए थे जिस दिन हमरे भाई का तेरे भाई ने कत्ल किया था। अब और कितना मरेंगे। सब कुछ खोने के बाद में समझ में आया कि इस दुनिया को किसी रंगबाज की नहीं सिर्फ प्यार की जरूरत है। हेलो दोस्तों, तो कैसा लगा आप लोग को रंगबाज चैप्टर 2 हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और प्लीज़ 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 इस प्रोजेक्ट को बनाने में बहुत 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 ज़्यादा मेहनत लगी है, तो प्लीज़ फटाफट हमारे मेहनत के नाम पे इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर करें यार। प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, हमारी मेहनत को सपोर्ट करें। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट में, और हाँ सब्सक्राइब करके जाओ प्लीज़ यार। तब तक के लिए जय हिंद।